जिंदगी में अगर अपनी दशा बदलनी है तो दिशा बदल लो। तुम्हारे अंदर ऊर्जा पड़ी है, तुम ताप दे ही नहीं रहे हो। अभी इसको बदलना है, लोहे को क्या देना पड़ेगा कि तुम ये कर ही नहीं रहे हो। तुमको अपने अंदर की काइनेटिक एनर्जी का पता ही नहीं है। तपस्या क्या है? काइनेटिक एनर्जी को एक्टिवेट करने का तरीका। लिख लो नोट करके, इधर तुमने एक्टिवेट किया उधर तुम बदले। कल मैंने ट्विटर पर लिखा कि अमीरी तुमको महान बनाती है और पैसा मूर्ख। पता नहीं किसको समझ में आया। गांधी ने लिखा है कि दोनों में फर्क क्या है। जिंदगी में अगर अपनी दशा बदलनी है तो दिशा बदल लो। क्या बदल लो? तुम्हारे अंदर ऊर्जा पड़ी है, तुम ताप दे ही नहीं रहे हो। अभी इसको बदलना है, लोहे को क्या देना पड़ेगा? हीट। इसके अंदर ऊर्जा है, कौन सी? काइनेटिक। जैसे ऊर्जा दोगे वो एक्टिवेट हो जाएगी, बस ये बदलने लगेगा। तुम ये कर ही नहीं रहे हो। तुमको अपने अंदर की काइनेटिक एनर्जी का पता ही नहीं है। तपस्या क्या है? काइनेटिक एनर्जी को एक्टिवेट करने का तरीका। लिख लो नोट करके। तुमको लगता था तपस्या मतलब परिवार छोड़ के भाग जाना। तपस्या क्या है? काइनेटिक, अंतर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको एक्टिवेट करना, बस तुम बदल जाओगे। इधर तुमने एक्टिवेट किया उधर तुम बदले। उस काइनेटिक एनर्जी को विज्ञान क्या कहता है? स्टेमिना। हैं? पहले दिन चलोगे तो 5 किलोमीटर चल लोगे ज्यादा से ज्यादा, तो ये सब भर जाएगा, ये हाथ वगैरह पैर वगैरह सब भर जाएगा। वो जो सोई हुई एनर्जी थी ना वो खुल रही है। फिर दूसरे दिन इच्छा नहीं होगी चलने की, बहुत दर्द हो रहा। दूसरे दिन जाओ और फैलेगी। 10 दिन बाद तुम 8 किलोमीटर चल रहे हो। कहां से आई शक्ति? अंदर थी ना। बीस दिन बाद तुम 15 किलोमीटर चल रहे हो। कहां से आई शक्ति? अंदर थी। कौन सा तुम बादाम खाने लगे आज से? मजदूर का मतलब वो व्यक्ति जिसमें उसकी रुचि नहीं है। तो बिना रुचि के जब तुम कोई काम कराओगे वो मजदूरी है, और जब तुम मजदूरी करोगे तो सफलता की कोई संभावना ही नहीं है। है? नहीं। वो तुम कर लो मजदूरी जितना है, कौन सा मजदूर दुनिया में? अब कबीर जो है वो जो चद्दर बुनते हैं कितनी मस्ती में बुनते हैं। तुम पढ़ो कबीर का जीवन। एक चद्दर बुनते हैं 10 दिन में, फिर बाजार में ले आते हैं, फिर सबको राम कहते हैं कि राम ये तुम्हारे लिए बुनी है। एक मूवी है हिंदी में सौदागर, पुरानी मूवी है। कौन हीरो है? एक्टर अमिताभ बच्चन। आज उस मूवी को देखना जाके, उसमें जो उसकी वाइफ होती है वो खांड बनाती है गुड़, इसका नारियल का, वो इतने मन से बनाती है, इतने भाव से बनाती है कि जैसे वो गुड़ बाजार लाता है सब एक घंटे में बिक जाता है। मतलब यहां वो बाजार में आग बैठा है, यहां बिका। फिर क्या होता है, उस बड़ी प्यारी मूवी वो भाव को प्रदर्शित करती कि भाव कितनी कीमती चीज है दुनिया। फिर क्या होता है कि वो उसका किसी और से अफेयर हो जाता है, वो उससे शादी कर लेता, वो भी गुड़ बनाती है। तीन तीन चार चार दिन गुड़ ही नहीं बिकता, भिखमरी भिखमंगा बना जाता है घर में। तुमको सिर्फ
तुम मजदूर थोड़ी हो यार कि जबरदस्ती पढ़ना है। जिस पढ़ाई का उपयोग ना हो पाए, हमारे भेजे में नहीं जा रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्यों लोग 10-10 साल यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, मजदूरी करते हैं, जबरदस्ती। जितना रटोगे उतना यहां तनाव पैदा होगा। रटने का मतलब कि मुझको मजा नहीं आ रहा लेकिन मैं ठूस रहा हूं, रटने का यही मतलब है कि मुझे मजा नहीं आ रहा है बस मैं ठूस रहा हूं अंदर, किसी तरह भर जाए। तो कोई डॉक्टर जब कोई खाना बता देता है कि इसको खाओ, तुम्हारा मन नहीं तो तुम कहते हो ठूस ही तो रहे हैं, बैठो। तो तुमको बिरयानी पसंद है तो कितने चाव से खाते हो, वो चार चार प्लेट खा जाते हो। जहां चाव है, इंटरेस्ट है, वहां तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ती, अनायास। मेहनत तो है लेकिन मजा आ रहा है ना। एक तरफ कच्चा करेला रखा है, कच्चा करेला, और एक तरफ तुम्हारे चॉइस की रखी है कोफ्ता, कच्चे केले का कोफ्ता। अब दोनों में से किसको खाने में तुमको श्रम कर, खाने में तो दोनों श्रम है लेकिन एक में पता नहीं चलेगा, कोफ्ते को खाने में पता नहीं चलेगा। मेहनत हो रही है लेकिन तुमको मजा इतना आ रहा है कि तुमको पता नहीं चल रहा है कि मजा लग हो रहा है। मेरी बात समझ रही हो ना। और कच्चे करेले में आंख से पानी, नाक से पानी, कान से पानी, कोई गन लेके बैठा खा रहे, मत डालेंगे साल। तुमने पढ़ाई को ऐसे बना लिया, तुमने पढ़ाई को करेला खाने के समान बना लिया, और तुम सब परेशान हो और तुम्हारी परेशानी का फायदा सब लोग उठा रहे हैं। तुम लोगों ने पढ़ाई को बोझ बना लिया यार, दर्द। इसमें डायबिटीज का रोगी है वो तो अपने जीवन को दर्द बना के मीठा नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते हो यार, एकदम खा सकते हो, एक लड्डू 5 किलोमीटर। ये कौन तुमसे कह दिया तुम मीठा नहीं खा सकते हो, एक लड्डू 5 किलोमीटर, एक लड्डू खा लो 5 किलोमीटर चल लो। ऐसे ही से नहीं चलना, ऐसे ही से चलना है। 2 लड्डू 10 किलोमीटर, 3 15 4 20, और एक डब्बा खा गए तो यहां से आगरा तक दौड़ जाओ। डायबिटीज तुमको खाने से मना नहीं करती, यही तो नेगेटिविटी समाज में फैला दी। डायबिटीज तुम्हें खाने से मना नहीं करती, वो जो दूसरा वाला काम है उसको तुम ध्यान ही नहीं देना चाहते। अरे अब 4 लड्डू खाक 20 किलोमीटर चले तो हराम खोरी करोगे, क्योंकि भगवान तो बराबरी का सबको दर्जा देता है। तो रिक्शा वाला एक मुट्ठी चीनी फाक के दिन भर रिक्शा चलाता है, शुगर लेता रहता है क्योंकि उसको जरूरत है। तुम इतना बड़ा पेट निकाल के दिन भर मछी अब लेटे हो, तुम्हारे यहां 20 लाख रुपया महीना किराया आ रहा, तो नेचर तुमसे कुछ नहीं कराएगा। नहीं तो रिक्शा वाला जाके ऊपर कहेगा नहीं कि मालिक हम ही मिले थे मजदूरी कराने के लिए, तो भगवान कहेगा भाई तुमसे ही नहीं कराए, ये सेठ घनश्याम दास इधर आवे। बोले इनका तो हम खाना ही छीन लिए। जो मेहनत नहीं करेगा भगवान उसको खाना खाने नहीं देगा, यही है डायबिटीज। डायबिटीज कोई बीमारी थोड़ा है, ये तो उसका मैनेज